भारत में एयर ट्रैवल में इजाफे और मोदी हुकूमत के नए ऐलानात के बाद भारतीय फिजाई कंपनियों ने एयरबस और बोइंग बनाने वाली कंपनियों को रिकॉर्ड तौर आर्डर दे दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अगले एक साल में भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में 100 नए हवाई जहाज बनाने का ऐलान किया है। मंगल को प्रेस एयर शो में बोइंग की तरफ से किए गए ऐलान के मुताबिक भारतीय फिजाई कंपनी एयर इंडिया ने इसे 220 कमर्शियल हवाई जहाजों का ऑर्डर दिया है, जिसमें 70 जहाजों के इजाफे की गुंजाइश भी है। बोइंग के मुताबिक ये डील फाइनल हो चुकी है। दूसरी तरफ एयर इंडिया ने ही बोइंग की हरीफ कंपनी एयरबस को भी 250 हवाई जहाजों को भी ऑर्डर दे रखा है। इन वादों का ऐलान इस साल फरवरी में किया गया था, जिन्हें अब खत्मी शक्ल दे दी गई है। फिजाई कंपनियों के इन ऑर्डर्स की बुनियाद भारतीय हुकूमत का ये ऐलान है कि 2024 तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 100 नए एयरपोर्ट तामीर किए जाएंगे। भारत की वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के मुताबिक इन एयरपोर्ट्स के बाद भारत में उड़ने वाले जहाजों की तादाद 600 से 1200 हो जाएगी। बोइंग और एयरबस के साथ एयर इंडिया की डीलर्स की मालियत 70 अरब डॉलर से ज़ायद बताई जा रही है, जिसमें 190 मैक्स एस, 787 ड्रीम लाइन्स और 10 777X जेट समेत मुख्तलिफ हवाई जहाज शामिल हैं।